और सारे जी लोग लग गए हैं, ये जो 4 सीटें हैं, 2-4 दिन, 2-3 दिन में हो जाएगा। और जी वहां पे तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल हमारा प्रत्याशी करके प्रचार चालू कर दिया है। ये सोचना कांग्रेस को है कि जिसने अभी डिक्लेयर किया है और सड़क पर जो बोल निकल रहे हैं, जो जो विधायक पूर्व हो रहे हैं उनके, ये कांग्रेस के लिए सोचने की जरूरत है। कपड़े फाड़ रहे हैं वो, और जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं को दलाल बोल रहे हैं, तो इसको पहले कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि उनकी पार्टी के बोल कैसे बदलते हैं। और जब टिकट मिलती है तो चेहरा पता लगता है, तो कांग्रेस का असली चेहरा जो है अभी सड़क पर पता लगा। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, क्या क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं, और सब लोग मिलकर जो है 40 लोग जो है वो अलग अलग जगह सभा लेंगे, प्रचार करेंगे, पार्टी के जो हमारे उपलब्धि है उसको बताएंगे, और बहुत कुछ है हमारे पास में बताने को, वो सारी बातों को हम बताएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वरूप है कि हम मिलकर एक सामूहिक लड़ाई को लड़ते हैं, और कांग्रेस के समान नहीं है कि जहां भूपेश बघेल कहते हैं कि मेरे अलावा स्टार प्रचारक नहीं है, एक घमंड और अहंकार है। वो सोनिया जी नहीं है उनके लिए, राहुल जी, प्रियंका जी नहीं है, खड़गे जी नहीं है, क्योंकि उसका अहंकार ATM है। वो जानता है कि जब तक मेरे पास हाथ में ATM है तब तक के केंद्र जो है उनके लिए गौण है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।